हम आपको फोटोबायोलॉजी में पिछले क्लास में अलैंगिक जनन के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में फुल बता दिए हैं। आप लोग को अब हम बताएंगे लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसे रिप्रोडक्शन को कहा जाता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं, नर और मादा, औरत और मर्द दोनों भाग लेते हैं। वैसे जनन को ही हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें गैमिट का निर्माण होता है, इस जनन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट का निर्माण होता है। गांव देहात में अंडाणु और शुक्राणु, गांव देहात के आदमी अंडाणु और शुक्राणु को नहीं समझते हैं, हैं वो सब बोलते हैं हैं माल। उस मटेरियल जो पुरुष को गिरता है उसे बोलते हैं माल, सब बोलते हैं माल तुम्हारा गिरता है कि नहीं। उसी से वो लोग पकड़ते हैं कि लड़का हो गया रिप्रोडक्शन कुछ करने लायक, शादी ब्याह लायक हो गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का सभी जीवों के लिए आवश्यक है, करना सभी जीवों के लिए आवश्यक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उपयोग कर और ह्यूमन या कोई जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो प्रकार के गैमिट यानी कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट होने के कारण इसमें कुछ बदलाव आ जाते हैं। चाइल्ड में नया गुण का विकास भी होते हैं जिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन अब जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जानेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विशेषताएं, यह जनन बाई पेरेंटल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होता है, हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होते हैं। इसमें अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होता है, इसमें निषेचन की क्रियाएं होती है, इसमें जायगोट का निर्माण होता है, इसमें जीन का एक्सचेंज होता है यानी कि मेल वाला जीन आ गया फीमेल वाला में, मर्द वाला औरत में आ गया, औरत वाला तो मर्द में नहीं जा सकते हैं क्योंकि मर्द ही प्रेग्नेंट करते हैं औरत को। अब यहाँ पे एक टॉपिक है मियोसिस, अर्थ सूत्री विभाजन। मियोसिस यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूल सेल यानी कोशिका बोले तो एकदम सूक्ष्म जीव जो आँखों से नहीं दिखता है वो भी आप जैसे जीव होते हैं, हैं उसी तरह वो एक सूक्ष्म जीव है जिससे आप लोग आँख से नहीं देख सकते हैं। तो वह मियोसिस क्रिया में वही जीव टूटकर दो भागों में बट जाता है, तो इस सब प्रोसेस को हम सब मियोसिस बोलते हैं। यह एक प्रकार का कोशिकीय विभाजन है, मियोसिस एक प्रकार का कोशिकीय विभाजन है जिसके कारण अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसके कारण आपका माल तैयार होता है आपके टेस्टिस इसके अंदर अंदर। गांव देहात में इसे पोथा भी बोलते हैं, पुरुष में पोथा और लेडीज के अंदर ओभरी होते उसके अंदर अंडाणु बनते हैं। इस कोशिका विभाजन के कारण अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होता है। इसमें गुणसूत्र की जो संख्या होते हैं 46 वो बढ़ जाते हैं 23 में। मनुष्य में मियोसिस क्रिया ब्रिसन टेस्टिस और लेडीज में ओभरी में चलता है। अब आगे बढ़ेंगे लैंगिक
जनन स्थापित करने वाले जीव के अवस्था जानेंगे, फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। जनन, अब सभी जीव एक जैसे जनन नहीं करते हैं, मानव भी अलग टाइप के रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ जीव अलग टाइप के, तो उसी पर ये साइंटिस्ट पागल सब इस जीव को डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है उसके जनन के आधार पर, और निम्नलिखित भागों में, पहला है जुवेनाइल फेज, किशोरा चरण में, जैसे कोई भी जीव जुवेनाइल फेज किशोरा चरण में वह पूर्ण रूप से बच्चा होते हैं जुवेनाइल फेज में। लैंगिक, अब इसका परिभाषा क्या होगा, तो लैंगिक जनन स्थापित करने वाला जीव का वैसा अवस्था जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है, जिसमें माल उसमें के अंदर तैयार नहीं हो सकता है, नहीं मटेरियल बन सकता है, उसे ही हम लोग किशोरा चरण यानी बच्चा बोलते हैं। इसमें शरीर का वृद्धि तेजी से, जब आपके अंदर वो स्पर्म बनने में बहुत एनर्जी खपत होता है, तो जब स्पर्म ही नहीं बनेगा तो आपका बॉडी ग्रोथ अधिक होगा, विकास करेगा। उस किशोरा चरण मोनोकार्पिक प्लान। अब रिप्रोडक्टिव फेज प्रजनन, दूसरा आता है रिप्रोडक्टिव फेज प्रजनन चरण। इसमें जीव रिप्रोडक्शन के लिए परिपक्व हो जाते हैं, यह 14 साल के बाद चालू होता है। इसमें रिप्रोडक्शन क्रिया के लिए जीव परिपक्व हो जाते हैं और अपने जैसे संतान के उत्पत्ति के लिए भी ही तैयार हो जाते हैं। लेकिन यह पौधों में दो प्रकार के होते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट और पॉलीकार्पिक प्लांट। वैसे पौधे जिसके जीवन काल में सिर्फ एक बार ही फल लगते हैं, उसमें फल लगते हैं, उसके बाद वह डेड हो जाते हैं, उसे मोनोकार्पिक प्लांट बोलते हैं। जिस तरह गेहूँ, एक बार उसमें गेहूँ बाल आ गया, उसके बाद तो वो कट के ख़त्म, धान, मकई, केला, जई, मस्टर्ड, सरसों, ये सब है, सिर्फ अपने जीवन काल में एक बार ही फल देगा, उसके बाद यह समाप्त हो जाएगा। पॉलीकार्पिक प्लांट वैसे प्लांट जिसमें सालों साल फल आते रहता है, जैसे आम का वृक्ष हो गया, अमरूद का वृक्ष हो गया, नींबू का वृक्ष हो गया, ये सब। अब सेपेसेंट फेज जीर्णता अवस्था, इसको हम लोग वैसे अवस्था में रखते हैं जब आप लोग रिप्रोडक्शन, बच्चा जलमा जलमा के थक जाते हैं, तब यह फेज आपके ऊपर चालू हो जाते हैं और बच्चा उत्पन्न करने के लिए आप सक्षम नहीं हो पाते हैं। आप इतना न यूज कर देते हैं कि वो उतना मात्रा में मटेरियल या माल नहीं बनता है, जिस कारण आप रिप्रोडक्शन क्रिया को संपन्न नहीं कर पाते हैं, और यह अवस्था आपको 45 वर्ष के बाद चालू हो जाता है। अब अगला टॉपिक है एनिमल ब्रीडिंग, जंतु प्रजनन। अब मौसम के आधार पर भी जंतु को डिवाइड किया है, कोई ऐसा जीव होते हैं कि मौसम होने पर ही रिप्रोडक्शन क्रिया करते हैं,
सीजनल ब्रीडर एनिमल, मौसमी प्रजनन जंतु। एग्जाम्पल में यह जंतु है सिर्फ बरसात के मौसम में ही अपना रिप्रोडक्शन क्रिया संपन्न कर पाते हैं, जिस कारण इसे मौसमी प्रजनन जंतु हैं। यह एक मौसम को चूस करते हैं, उसी में रिप्रोडक्शन क्रिया करते हैं। जैसे में फ्रॉग हो गए, डियर माने हिरन हो गया, फ्रॉग माने मेढक। मेढक तो आप लोग देखे होंगे ही, डियर हिरन भी देखे होंगे। कंटिन्यूअस ब्रीडर एनिमल्स, सतत प्रजनन जंतु। अपना ही एग्जाम्पल रख लीजिए, कोई भी मौसम हो आप तो सुहागरात ही मना लेते हैं, कभी भी कहीं भी ही आप लोग सुहागरात मना लेते हैं। इसलिए मानव के लिए मौसम निर्भर नहीं करता है, वह कभी भी अपना संतान उत्पन्न कर लेता है। इसलिए से सतत प्रजनन जंतु, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स एनिमल्स, लगातार 9 महीना के बाद निकालते रहता है, 9-9 महीना पर एकदम। उसके बाद आता है अगले टॉपिक, रिप्रोडक्टिव साइकिल, जनन चक्र, लैंगिक चक्र। अब जनन चक्र के बारे में आप लोग को हम बताएंगे। यह इस चक्र फीमेल में सिर्फ चलता है, और यह अगले क्लास में बताएंगे। बहुत मज़ेदार टॉपिक है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखें और लाइक एंड शेयर करें। यूट्यूब पर मेरे शत्रुघ्न कुमार शर्मा के नाम से चैनल चलता है, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें।